नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अदिति मुस्कान। खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नौतन प्रखंड से है, जहां भारतीय गहरी इंटर कॉलेज के मैदान परिसर में कॉलेज को संचालित करने वाली अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद का 28वां वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। उपस्थित मंच से सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष काशीनाथ प्रसाद ने कहा कि बड़ी ही कड़ी मेहनत करने के बाद संस्था आज अपने मुकाम पर पहुंची है तथा शिक्षा के क्षेत्र में जन कल्याण हेतु भारतीय इंटर कॉलेज समेत अनेक शिक्षण संस्थान स्थापना की, जो आज शिक्षा जगत में पंचम लहरा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि कॉलेज को संचालित करने वाली पुरानी कमेटी संवैधानिक नियमानुसार भंग करके नई कमेटी का गठन किया गया, जो महाविद्यालय को संचालित करती है। अगर महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को कोई भी समस्या हो तो संस्था के संगठन से जुड़े सदस्यों से संपर्क कर अपनी समस्या रख सकते हैं, क्योंकि महाविद्यालय को संचालित करने वाली तथा इसका नींव रखने वाली अखिल भारतीय जन कल्याण परिसर संस्था है, जो कई तरह के सामाजिक कार्य करती रहती है। वहीं संस्था के सभी सहयोगी तन मन धन से सहयोग करते हैं तथा वहीं उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी संस्था द्वारा किए गए कार्यों को याद किया तथा बताया कि वर्षगांठ मनाने का मतलब यादों को ताजा करना है और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना है। मौके पर शिवजी राय, दुर्ग किशोर राय, उपेंद्र पासवान, अनूप लाल यादव, समाज सेवी पुण्य देव प्रसाद सिंह, अरविंद कुमार, सुदामा यादव, कृष्णा राम, सरोज कुमार, प्रदीप कुमार शाह, नौतन थाना SI झा जी समेत कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे तथा उपस्थित अतिथियों को शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया। अतिथियों ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। बिहार के बेतिया से द क्राइम एक्सप्रेस के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद गरीब कोटि की जो बैठक हुई है, इसमें 28वीं वर्षगांठ मनाने का क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ का जो जन समूह का सहयोग रहा है, उन लोगों को हम सम्मानित करें और अपने बारे में बता दें कि संस्था किस प्रकार का काम करने जा रही है, कौन कौन इसके मेंबरान हैं वर्तमान में, कौन इसके अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हैं, यदि किसी को कोई त्रुटि हो तो किससे आकर के मिलेंगे, और फिर इन लोगों से उम्मीद हमें करते हैं कि यदि हमें त्रुटि हो तो हमसे कहेंगे और अगला काम करने के लिए हम लोग को दिशा निर्देश देंगे, हम लोग को सहयोग करें, हम लोग अच्छे काम को करें। आपका परिचय? मैं काशीनाथ प्रसाद, अध्यक्ष। आज जो 28वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसमें विलम्ब क्यों हुआ था सर? ये जो पूर्व की जो कमेटी है जी, वो जो खारिज हो गई है, पूर्व की कमेटी जो है वो खारिज हो गई है जी। नया संशोधन के हिसाब से नई कमेटी का गठन हुआ है। अब इसके वजह से इसी के डाह में वो लोग थोड़ा अपने दबंगता का परिचय देते हुए इसको विलम्ब से हुआ है। आपका परिचय? हम सचिव अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद गोटी। आज जो 28वीं वर्षगांठ जो मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? हम इस वर्षगांठ को मनाने में हमें खुशी है और सबसे खुशी है कि यह संस्था में जो है इसके पहले जो भी कुरुतियां आई हैं और मैं उसको दूर करते हुए मैं अपने इस 28वीं वर्षगांठ के माध्यम से अपने आम जनता के बीच रखूँ। अपना परिचय? मैं अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद के उप सचिव उपेंद्र कुमार पासवान। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज तक ये सुनने को आया है अभी तक कि स्कूल का रवैया बहुत गड़बड़ हो चुका है, और हम जैसे फील्ड का भी काम करते हैं और करते थे, फील्ड में बहुत बुराइयाँ सुनने को आ रही हो, अब हम ये चाहेंगे कि अब ऐसा नहीं हो। आपका परिचय? पुरुषोत्तम कुमार, अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद गहरी कोठी, कोषाध्यक्ष। आप सर इस पर क्या कहिएगा? ये 28वीं जो वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं NGO का, देर होने का एक ही कारण है कि पहले जो लोग कार्य करने में थे, जिनको आम सभा और सरकार के द्वारा हटा दिया गया है, वही लोग व्यवधान उत्पन्न किए हैं जिससे हम लोग आज देर से मना रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम किशोरी साहू है, मैं लेक्चरर हूँ इस महाविद्यालय का।